हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट सीएन गजबी स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीएन गजबी में। आज दोस्तों हम बात करेंगे न्यू प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें क्या होता है दोस्तों, मुंह में छाले हो जाते हैं। बार बार क्या होता है, मुँह में छाले हो रहे हैं, बार बार मुँह में छाले आ जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रकार से छाले हो जाते हैं, जीभ में हो जाते हैं, मुंह में हो जाते हैं, होंठ पे हो जाते हैं, सफ़ेद छाले हो जाते हैं, लाल कलर के छाले हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसे क्या है दोस्तों, हम ओरल अल्सर भी कहते हैं। क्या है दोस्तों, जो अल्सर आपको माउथ में हो रहा है, मुँह में हो रहा है, वह अल्सर क्या होता है, आपके पेट में भी होने लगता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसे स्टमक अल्सर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और अल्सर क्या है, ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो अल्सर हो रहे हैं, उन अल्सर को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन सी टैबलेट दी जाती है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी डिटेल में दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसके कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अल्सर को ठीक करने वाली टैबलेट का नाम है रिवाजिन, ठीक है दोस्तों। ये किसी भी प्रकार के आपके अल्सर हो रहे हैं उसको ठीक कर देती है, मुंह में छाले हो रहे हैं उसको ठीक कर देती है रिवाजिन, ठीक है दोस्तों। जिसमें कंटेंट क्या है दोस्तों, रेमामेपाइड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रिवाजिन एक ऐसी टैबलेट है जो आपके कोई भी जो अल्सर हुआ है उसको ठीक कर देगा, किसी भी प्रकार के आपको अल्सर हुआ है उसको ठीक कर देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज़ ऑफ मेडिसिन, लेवल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज के बारे में बात करेंगे, प्राइस ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वार्निंग्स के बारे में बात करेंगे, प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों बेसिक ऑफ मेडिसिन। तो दोस्तों जो रिवाजिन टैबलेट होती है वह दोस्तों एंटी अल्सर क्लास की मेडिसिन होती है, ठीक है दोस्तों। एंटी अल्सरेटिव मेडिसिन होती है, एंटी अल्सरेटिव क्लास की मेडिसिन होती है, दवाई होती है। तो दोस्तों इसके ब्रांड नेम की बात करें तो रिवाजिन है, और इसमें जो सॉल्ट है दोस्तों, कंटेंट है, वह है दोस्तों रेवामेपाइड, ठीक है दोस्तों। और इसके स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो 100 mg है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कि इस दवाई को कौन सी कंपनी बनाती है। तो इस दवाई को दोस्तों मल्टी नेशनल कंपनी जो है मैक्लोइड बनाती है, और इसका हेड ऑफिस जो है दोस्तों मुंबई में है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब इस मेडिसिन के, इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो इसका यूज़ दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर में किया जाता है, म्यूकोसल प्रोटेक्शन में किया जाता है, पेप्टिक अल्सर में किया जाता है, गैस्ट्राइटिस में किया जाता है, माउथ अल्सर में किया जाता है, और बैकेट्स डिजीज होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर में स्टमक, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे क्या होता है, स्टमक में अल्सर हो गया है और ड्यूडेनम में अल्सर हो जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो दोस्तों गैस्ट्राइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे कि स्टमक है दोस्तों, स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, साथ ही साथ दोस्तों गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उसमें क्या है, म्यूकोसल लेयर जो होती है इन्फ्लामेटिव हो जाती है, इन्फ्लामेशन सूजन आ जाती है, ठीक है दोस्तों, उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके लेवल स्टडी की बात करें दोस्तों तो यह प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग होती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो RX लिखा, इसका मतलब कि यह डॉक्टर के बगैर नहीं मिल सकती, ठीक है दोस्तों, आपको डॉक्टर पर्चे पे लिखेगा तभी यह दवाई आपको मिल सकती है, यह प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग होती है। यह दोस्तों फिल्म कोटेड टैबलेट होती है, ठीक है दोस्तों। पैकेजिंग की बात करेंगे दोस्तों, यह अवेलेबल होती है स्ट्रिप पैकेज में, ठीक है दोस्तों, और हर एक पैक में क्या है दोस्तों 10 tablets होती है, ठीक है दोस्तों, एक स्ट्रिप में आपको 10 tablets मिलेगी। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात इसमें बात करेंगे इस टैबलेट के वर्किंग के बारे में। तो दोस्तों हमको जहाँ पर बॉडी में अल्सर हुआ है, यहाँ पर बॉडी में छाले हुए हैं, तो यह किस प्रकार से काम करती है उस पर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब इस टैबलेट के वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि यह टैबलेट किस प्रकार से वर्क करती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जहाँ अल्सर हुआ है वहाँ पर प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिंस के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करती है, जिससे हीलिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों, और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। इस प्रकार से यह टैबलेट वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस टैबलेट के डोज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अडल्ट डोज जो होता है 100 mg 3 times होता है, ठीक है दोस्तों, मतलब आपको एक टैबलेट जो है दिन में 3 times लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों बात करते हैं इस टैबलेट के प्राइस की, कि इस टैबलेट का प्राइस क्या होता है। तो दोस्तों इस टैबलेट का लेटेस्ट प्राइस जो होता है 137 रुपीज़ होता है टोटल 10 टैबलेट का, ठीक है दोस्तों। मतलब कि एक टैबलेट आपको 13 रुपये की पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो डिजीनेस हो सकता है, फटिगनेस हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्किन पर रैसेस हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब दोस्तों आपको भूख कम लग सकती है, नेजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इचिंग हो सकती है आपको स्किन पे, और आपका टेस्ट जो है वो बदल सकता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस टैबलेट के वार्निंग के बाद करेंगे कि इस टैबलेट के काउंटर इंडिकेशन की बात करेंगे कि किनको यह टैबलेट नहीं लेना है, किन्हें यह टैबलेट नहीं लेना है। तो दोस्तों जिसको इस टैबलेट से एलर्जिक रिएक्शन हो उनको नहीं लेना है, लीवर और किडनी डिजीज है उनको नहीं लेना है, प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान यह टैबलेट नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में यह टैबलेट नहीं लेना है और बच्चों को यह टैबलेट बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों आपने अल्कोहल का सेवन किया है तो अल्कोहल सेवन किया है आपने उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। डोंट यूज़ इफ़ यू हैव दिस कंडीशन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे इस टैबलेट की, कि प्रेगनेंसी में लेना है या नहीं लेना है, प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों यह टैबलेट आपको अपने गायनेकोलॉजी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है, ठीक है दोस्तों। यह टैबलेट जो है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यह टैबलेट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों इस टैबलेट के ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। तो डाइक्लोफेनिक के साथ में यह टैबलेट आपको नहीं लेना है और सेलेकॉक्सिब, ठीक है दोस्तों। तो ये दो मेडिसिन है, इसके साथ में आपको यह टैबलेट अवॉइड करना है, इन टैबलेट के साथ में आपको यह टैबलेट नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।